चलती दिख रही है, बट टीएमजी इनकी वो स्क्वाड जिनके ऊपर कुछ जाकर रगलोस रेंज बैटल की यहां पर करनी पड़ सकती है। लेकिन अभी अटैकिंग को जैसे मैंने बात करी थी कि गुजरात टाइगर्स के सामने अगर एक चैलेंज करने आ सकती है वो टीम गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स हो सकते हैं। सिंप आते ही उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। दूसरा उसे अगर देखा जाए तो ट्राई जरूर करें, कोशिश भरपूर से आती है। एयर यूज भी जरूर एक्सेप्ट हमें देखने को नजर आएगा, लेकिन सिंप अपने आप को अगर थोड़ा सा अगर हाइडिंग प्लेस पे लेके जाते तो बेहतर। लेकिन क्लच गॉड उनको धराशाही, अब सब कुछ अपोलो के कंधों के ऊपर आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अपोलो को एक ऐसा खिलाड़ी जिसके ऊपर आपने खुद कहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा और यहाँ से वो प्रेशर उन्हें सिंक इन करता दिखेगा जरूर से। समापन दिखेगा आपको टीम आई को सोल होती जिसके द्वारा इफ़ नॉट तंग किया गया तो वो कंफ्यूजन निकाला गया, बट ऐसे में टीम गॉड लाइक चीज के बारे बोलूंगा जरूर से। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखिए चार टीमें मात्र आपको बचे दिखने वाली है। चिली के द्वारा कुछ अच्छे कनेक्शन, जॉनसन की ग्रेनेड, फ्रैंकलिन के ऊपर भी एक कनेक्शन ढूंढेगी जरूर से। नकुल आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप कवर फायर देखिए जो आपको यहाँ पर आता हुआ दिखा को भी डाउन किया जाएगा। तो आगे बढ़ने का एक प्रयास है इरोनी की तरफ, फिल्टर को भी किया जाएगा। शिवम जेली के ऊपर एक कनेक्शन ढूंढेंगे। अ लॉट ऑफ फाइट्स आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट, जहां पर रिवाइवल देने की भी कोशिश करनी पड़ेगी जरूर से। और वहीं अगर हम बात करें इरोनी की, बट जॉनसन उनकी ग्रेनेड ने यहाँ पर टीएमजी के डेविल को भी डाउन किया। लेकिन बहुत बड़े स्प्लिट पे है, जॉनसन अकेले आगे बढ़ते देखेंगे, बट जॉनसन अकेले काफी रहेंगे, शिवम को डाउन करेंगे अपनी ग्रेनेड के साथ। और जॉनसन जिस दिशा में आगे वो अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक और टीम बची है, एक नेड खत्म कर सकता है। समापन दिखेगा जरूर से। टीम आई कुसोल, टीम गॉड लाइक वो दो टीमें जो आपको आखिरी स्थान पे बची दिखेंगी। देखिए शतरंज की इस खेल में अभी भी वो कुछ टुकड़े हैं जो अपनी सही जगह तक नहीं पहुंचे, और उसमें से सबसे बड़ा प्यादा आपको टीम गॉड लाइक और टीम आई कुसोल वो एक दूसरे के लिए बनते दिखेंगे। किसकी होगी ये बाजी, किसका होगा यह खेल, ये जानने मिलेगा कुछ अगले एक से दो मिनट के अंदर गेम। जॉनसन जिस चीज का वो डर था, जॉनसन को भी बहुत लो ऑन एचपी हो गई थी, शायद उनको मौका नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी अपने आप को हील अप करने का, बट काम करके गए, एक खिलाड़ी को नॉकआउट करके गए। लेकिन जोकर तुरंत ही यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, तुरंत नॉकआउट कंफर्मेशन के लिए जाएंगे। वो सपोर्ट फायर आ पाता है कि नहीं वो देखने योग्य। ये सिचुएशन अब 2v4 के चली जा चुकी है, ऊपर लेकर पहुंच चुके हैं उनके सामने। जैली ये नॉकआउट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। दूसरों से एडमिनो एक सिंगल हैंडेड यहां पर कोशिश करते हुए सिचुएशन को 2v4 से 2v2 तक, लेकिन यहां पर रॉनी जैली को डाउन कर देता है। लेकिन अब एडमिनो दोनों तो अकेले हैं और शायद यहां से बचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा। लेकिन एडमिनो अगर वो नॉकआउट कर देता है तो शायद यहां पर चिकन डिनर आई कुछ सोल के पास और जी हां एक अच्छी कोशिश थी, बट तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।